हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बीपीएससी जीएस पेपर यानी जो लड़कों का पेपर हुआ था उसका सेट नंबर डी अभी मेरे पास है और इसका मैं ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से आप सभी को आंसर जो है वो बताने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर इसका आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन जो है इसका आंसर होगा आपको गुजरात, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। तीसरा जो ऑप्शन है इसका आंसर हो जाएगा एरविन। इसमें बहुत सारे बच्चों ने लगाया है एच एस पॉलक, बट आंसर होगा इसका एरविन, ठीक है। चौथा नंबर ऑप्शन है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मोर देन वन। मोर देन वन जो है ये इसका आंसर होगा। पांचवा नंबर ऑप्शन है इसका आंसर हो जाएगा आपको व्लादिमीर पुतिन, ऑप्शन नंबर सी। छठा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको प्यूपा न्यू गिनिया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड जो है आपको रोमन विल्सन वाला हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द जज ऑफ द फर्स्ट ब्लैक, ये न्यूयॉर्क इसका आंसर होगा। इसके बाद आपको इसका आंसर हो जाएगा पार्लियामेंट्री कमेटी वाला, ऑप्शन नंबर बी यूएसए, आठवां नंबर का बी होगा। नाइन्थ का हो जाएगा आपको जियॉर्जी गॉस्पोडिनिव, यानी ऑप्शन नंबर सी, जो बुकर प्राइज मिला है। फिर इसका सीईओ ऑफ ट्विटर बहुत सारे बच्चों ने इलॉन मस्क लगाया है, इसका आंसर होगा लिंडा, ऑप्शन नंबर बी। 2011 सेंसस का आंसर जो है बहुत सारे बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए लगाया है क्योंकि उनको इंटरनेट पे मिल रहा है 53.33, बट इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर होगा। इसके बाद आइए आप लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका सुभद्रा देवी, इसका ऑप्शन ए होगा पेपर मैशी आर्टिस्ट। फिर आपको पार्लियामेंट बिल्डिंग के बारे में यहाँ पे आपसे पूछा है कि पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है पार्लियामेंट बिल्डिंग किसके द्वारा बनाया गया, तो बिमल पटेल इसका आंसर होगा। इसके बाद आप आ जाइए इसका परसेंटेज वाला में, तो 10 से 15% इसका आंसर होगा। इसमें आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। इसमें आंसर होगा इब्न बतूता का मोरक्को। इसमें बहुत सारे बच्चों ने इराक पे लगाया है टिक, बट आंसर होगा इसका मोरक्को, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका आंसर हो जाएगा, मोर देन वन। इसके बाद 18 नंबर का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, इट फॉर्म्स अ जियोग्राफिकल बाउंड्री बिटवीन कैनेडा एंड यूएसए। इसका आंसर हो जाएगा आपको वेनस, ए। बहुत सारे बच्चों ने मंगल मिशन, मंगल ग्रह का सुन के मंगल पे लगाया है, बट आंसर होगा इसका वेनस, ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर हो जाएगा वेनेजुएला, वेनेजुएला। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। 22 नंबर जो है इसका आंसर होगा आपको छेना बांग्लादेश। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हैं ऑप्शन नंबर ए में, बट आंसर होगा इसका छेना बांग्लादेश, बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद आ जाइए आप इस पे, इसका आंसर हो जाएगा आपको 2Pm, ऑप्शन नंबर सी, सिलिका एंड मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर ए। ये सेट नंबर डी का मैं बता रहा हूँ, मल्चिंग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मोर देन वन, ये सारे ऑप्शन जो हैं इसमें से दो करेक्ट है। फिर इसका आपको आंसर हो जाएगा कदम्ब, कदम्ब का पेड़ जो है ये इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 27 का। फिर आप आइए इसका आंसर हो जाएगा 28 का मोर देन वन, मोर देन वन इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन है आपको, इसका आंसर हो जाएगा आपको इंडियन स्ट्रगल, इसका आंसर हो जाएगा मोर देन वन, ऑप्शन नंबर डी। फिर इसका आंसर हो जाएगा आपको उरांव, इसमें बहुत सारे बच्चों ने संथाल लगाया है, बट आंसर हो जाएगा उरांव, उरांव ट्राइब जो है वो गया सेशन में गया था। इसमें भी बहुत बच्चों ने गलत किया है, इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका आंसर होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपको जवाहरलाल नेहरू, इसमें बहुत सारे बच्चों ने गड़बड़ किया है, 1938 में सुभाष चंद्र बोस पे गए हैं वो, बट आपको आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपको 34 नंबर का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, 34 का। 35 नंबर पे चलें अगर हम, 35 नंबर का आंसर हो जाएगा अरुणा आसफ अली, ऑप्शन नंबर सी। इसमें बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज थे, बट आंसर होगा पूना। इसमें देखिए ये बहुत सारे बच्चों ने गलती किया है और क्लेम भी कर रहे हैं, बट आंसर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों इससे रिलेटेड हैं, तीनों जो हैं इससे रिलेटेड हैं, राहुल सांक्रतायन भी हैं और यमुना खारजी, ये सब इससे रिलेटेड हैं। ये बिल्कुल सही आंसर है ह्यू ग्रोज, ऑप्शन नंबर सी, जगजीवन राम, बिल्कुल करेक्ट। इसमें आपका आंसर होगा, बहुत सारे बच्चे हैं जो इंटरनेट पे ढूंढ रहे होंगे, तो आपको बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूज हैं, नवंबर में, नवंबर इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि ये जो एक्ट है वो पास हुआ था 1917 नवंबर में, ठीक है, बट आपको क्वेश्चन में है 1918, आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ई। आइए इधर अब अगले क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ते हैं। इसका आंसर हो जाएगा द स्पिरिट ऑफ द लॉज, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों ने मिस्टेक किया है, बट ये देखिए ये डाउट में भी जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मेन कॉज, यहाँ पे मुख्य कारण पूछ रहा है, मुख्य कारण में ये तीनों आ गया। बट अब देखिए बीपीएससी इसको करेक्ट करता है कि नहीं। ज़्यादा बच्चों ने इसमें ऑप्शन नंबर सी लगाया है, बट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा बीपीएससी के हिसाब से। धर्मो रक्षिता रक्षिता में इंडियन सुप्रीम कोर्ट बहुत बच्चों ने लगाया है, बट आंसर होगा रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ इसका आंसर होगा। बारदोली सत्याग्रह ऑप्शन नंबर ए आपको इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी 45 का। 46 का आंसर होगा 1992 यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा 32% ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। 49 का आंसर हो जाएगा आपको मोर देन 1। 50 का आंसर हो जाएगा धर्मपाल ऑप्शन नंबर सी। 51 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। 52 का आंसर हो जाएगा एन वी रमन्ना, इसमें बहुत बच्चों ने गलती किया होगा बट आंसर एन वी रमन्ना होगा। 53 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। 54 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, इसमें भी बहुत सारे बच्चों ने मिस्टेक किया होगा। 55 का आंसर होगा दीनदयाल उपाध्याय। 56 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। 57 का आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 58 का होगा ऑप्शन नंबर ए, 59 का होगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें बच्चे कन्फ्यूज है बट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। 61 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, 62 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 63 का होगा ऑप्शन नंबर सी, 64 का ऑप्शन नंबर डी, 65 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 66 का होगा ऑप्शन नंबर ए, 67 का ऑप्शन नंबर ए 1% बिल्कुल सही है ये। 68 का देखिए इस क्वेश्चन में डाउट है और इसको बहुत बच्चे क्लेम करेंगे, इसका आंसर होना चाहिए सुंदरलाल बहुगुणा। अमृता देवी बिश्नोई खेजड़ी पेड़ों से संबंधित थी, इस मोमेंट में थी, परंतु कहीं भी अगर आप देखिएगा तो आंसर दिखा रहा है सुंदरलाल बहुगुणा जो बहुत बच्चों ने डाला है, बट बीपीएससी ने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, तो इस पे एक डाउट है। 69 का ऑटोट्रॉप्स होगा बिल्कुल सही है। 70 का फॉस्फोरस साइकिल होगा बिल्कुल सही है। 71 का ऑप्शन नंबर डी होगा। 72 का मोर देन वन होगा। चलिए इसके बाद वाले पे आते हैं, इसमें आ जाइए, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, इसका होगा 96, इसका होगा 120, इसका जो है ऑप्शन नंबर बी होगा। 77 का ऑप्शन नंबर बी होगा। 78 का आपको होगा ऑप्शन नंबर डी। 79 में आइए, अब 79 में आपको होगा ऑप्शन नंबर बी। 80 में होगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज किए हैं 40 पाई में और 4 पाई में, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका होगा बुक ऑप्शन नंबर सी, इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका होगा 341 ऑप्शन नंबर सी, इसका होगा मोर देन अबव। इसमें बहुत सारे बच्चे, किसी ने इसे मार दिया है, किसी ने ऑप्शन नंबर सी को डाल दिया, बट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अब अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़ें, इसका आंसर हो जाएगा 14400 ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर होगा 86 का ऑप्शन नंबर सी। इस फिगर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 30 स्क्वायर बना रहा है। 88 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 89 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 92 हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, 93 ऑप्शन नंबर सी, 94 ऑप्शन नंबर सी, 95 की ओर अब हम चलें, 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 96 का ऑप्शन नंबर ए, 97 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 98 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 99 आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1951। 100 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 101 का होगा ऑप्शन नंबर ए, 102 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, 103 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 104 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 105 का होगा आपको ब्लड प्लाज्मा ऑप्शन नंबर बी, 106 का होगा 2 सेंटीमीटर, बहुत सारे बच्चों ने गलती किया है 25 सेंटीमीटर डाल दिया है, आंसर होगा 2 सेंटीमीटर, 107 का होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका होगा हेरिडिटी ऑप्शन नंबर बी, 109 का होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 110 का होगा ऑप्शन नंबर सी, 111 का ए फॉरेस्टेशन ऑप्शन नंबर बी, 112 का ऑप्शन नंबर ए, 113 का ऑप्शन नंबर डी, 114 का ऑप्शन नंबर बी, 115 का ऑप्शन नंबर सी, 116 का ऑप्शन नंबर ए, 117 का ऑप्शन नंबर बी, 118 का ऑप्शन नंबर बी, 119 का ऑप्शन नंबर बी, 120 का, देखिए इस क्वेश्चन में डाउट है, इसका आंसर बीपीएससी ने दिया है फॉल। बहुत से बच्चों का कहना है कि सर ऑप्शन नंबर ए भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी भी हो सकता है, तो इसमें पूरे सेट में मुझे दो क्वेश्चन पे डाउट गया है,
एक आपको गया है चिपको आंदोलन के सुंदरलाल बहुगुणा पे, ठीक है, सुंदरलाल वाले पे, और एक गया है आपको ये फॉल और राइज वाले पे। बाकी मुझे अभी किसी में कोई दिक्कत नहीं लग रही है। और हाँ, कट ऑफ के बारे में आप लोग जान लीजिए। बहुत सारे बच्चों से बात करने के बाद आप लोग ये समझिए कि जनरल के कट ऑफ में और बाकी EWS, OBC, SC, ST, PWD इसमें थोड़ा डिफरेंस रहेगा। आप ये समझिए कि जो बहुत अच्छा, जिन्होंने कहा था कि मेरा 75 स्कोर रहेगा, मेरा 71 स्कोर रहेगा, 72 रहेगा, 80 रहेगा, ये सारे के सारे बच्चे 65 से नीचे आ चुके हैं। ये 65 के अब नीचे हैं। बहुत अच्छा जिनका एग्ज़ाम गया था वो 55 से 60 के अंदर है। इस चीज़ को आप समझिए। तो अब आप यहीं आप समझिए कि ये 55 से लेके 60 मैक्सिमम स्कोरिंग है बच्चों का, जहाँ ज़्यादा नंबर आ रहा है बच्चों को। 60 से 65 समझिए बहुत कम बच्चे जा रहे हैं, और कुछ परसेंटेज में जो है अब इसके ऊपर 70 प्लस करेंगे। मेरे हिसाब से कट ऑफ जो है वो यहीं 55 से लेके 65 के बीच में होगा। अदर कैटेगरी का, ये अदर कैटेगरी पे जाइए आप। जनरल का कट ऑफ कुछ भी हो सकता है। जनरल में आप जनरल के कट ऑफ का अनुमान कोई नहीं लगा सकता है, क्योंकि जनरल में सीट है 16,000, जिसमें महिला है, फीमेल है, मेल है, और पूरे भारत के बच्चे हैं। दिल्ली से बच्चे आए थे, उत्तर प्रदेश के बच्चे आए थे, हरियाणा के बच्चे आए थे, तो ये सारे बच्चे जनरल में जाएंगे। तो जनरल का कट ऑफ आपको 75 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, इसका कोई हिसाब नहीं है। ये कैटेगरी जो है, कैटेगरी में जो है आप इतना नंबर होगा मेरे हिसाब से। अब ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अब देखिए, BPSC कुछ दिन में अपना OMR जब जारी करेगा तो इसमें और क्लैरिटी मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद।